अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अक्षरमनाख्येयम् आनन्दमयमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम् दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षात् विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धम् केन च कस्यार्धम् शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुम् न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः द्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। म्हणोनी बंधची तव वावो माँ मोक्षा के प्रस्तावो मरोनी के लाठावो अविद्या तया आणी ज्ञान बंध ऐसे शिव सूत्राचे नीमिसे मणितले असे सदा शिवे आणी वैकुंठीचे ही सुजाणे ज्ञानपाशी सत्वगुणे बांधिजे हे बोलणे बहुकेले परी शिवे का श्रीवल्लभे बोलिणे येणे चिलोभे मानुते नोहे हे लाभे न बोलता ही। चाहे शिवजी के शिवसूत्र हो जिसमें का दूसरा सूत्र है कि ज्ञान बंध, ज्ञान ही बंधन है, और उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान का बंधन सबसे कठिन है जिसको तोड़ना चाहिए। अब ज्ञान का कौन सा बंधन है ये बताने के बाद अब ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि परी शिवे का श्री वल्लभे, ऐसा नहीं कि क्योंकि शिवजी ने कहा है या भगवान कृष्ण ने कहा है और इसीलिए हम मानते हैं, बोले नहीं। मानु ते नोहे हे लाभे न बोलता ही, चाहे शिव जी ने कहा हो चाहे भगवान कृष्ण ने कहा हो या न कहा हो, उसके बावजूद भी हम सब प्रत्येक की अनुभूति यही है। क्या अनुभूति है कि ज्ञान ही हमको बंधन में डालता है। अब ज्ञान कैसा बंधन में डालता है, अब देखो हम कहते हैं कि हमको कुछ मालूम नहीं और इसलिए हम अज्ञान के बंधन में हैं। तो जरा ध्यान से सुनना, जैसे पुस्तक को जानने वाला पुस्तक का ज्ञाता है तो वो ज्ञाता है ना, उसी प्रकार से जगत को जानने वाला जगत का ज्ञाता है तो वो ज्ञाता ही है। तीसरी बात, अज्ञान को जानने वाला अज्ञानी कैसा बना, थिंक। अज्ञान को जानने वाला भी अज्ञान का ज्ञाता ही है, वो अज्ञानी नहीं है। तो हम कहते जरूर है कि हम बड़े अज्ञानी है, अज्ञानी है माने क्या, जो अज्ञान को जानते हैं।
और यही ज्ञान का बंधन है कि अज्ञान को जानने के बाद हम अज्ञानी नहीं हो सकते, हम तो अज्ञान के ज्ञाता है। तो यहां बताते हैं कि ज्ञान का यही बंधन है। अच्छा, ये कौन सा ज्ञान है? इस ज्ञान को कहते हैं वृत्ति ज्ञान। जब तक के हम इस वृत्ति ज्ञान का त्याग करके इस वृत्ति ज्ञान के अधिष्ठान को आत्म रूप से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक के हम केवल ज्ञान के मार्ग पर भटकने वाले पथिक मात्र रहेंगे, ज्ञान की अनुभूति कभी नहीं होगी। जैसे सर्व वेद सारोपनिषद एक उपनिषद है, उसमें साक्षी का लक्षण दिया है। साक्षी कौन है? बताते हैं, ज्ञातृ, ज्ञेय, ज्ञान, आविर्भाव, तिरोभाव, ज्ञाता, स्वतः आविर्भाव तिरोभाव हीनः स्वयं प्रकाशः साक्षी इति उच्यते। जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंस, ये जो त्रिपुटी है, इस त्रिपुटी का आविर्भाव माने जागृत और स्वप्न, जागृत स्वप्न अनुभूति में इन तीनों का होना नितांत आवश्यक होता है। जब तक के ये त्रिपुटी नहीं होगी, तब तक के जागृत स्वप्न दोनों अवस्थाएं असंभव है। तो साक्षी कौन है? वह जो ये त्रिपुटी के आविर्भाव को जानता है और जो त्रिपुटी के तिरोभाव को जानता है। त्रिपुटी का अभाव हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में, तो जो इस त्रिपुटी के आविर्भाव तिरोभाव ज्ञाता, लेकिन स्वयं कैसा है? आविर्भाव तिरोभाव ही नहा, जिसमें आविर्भाव और तिरोभाव इन दोनों का अभाव है, माने जो नित्य उपलब्ध है, ऐसा जो नित्य उपलब्ध, जिसका आना जाना असंभव है और जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। त्रिपुटी को जब तक के आत्म चैतन्य के प्रकाश का समर्थन नहीं मिलता, तब तक कि ये त्रिपुटी का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन आत्म तत्व की सिद्धि के लिए त्रिपुटी की आवश्यकता नहीं है। तो वह जो त्रिपुटी के आविर्भाव तिरोभाव का ज्ञाता है, लेकिन जो आविर्भाव तिरोभाव रहित है और जो स्वयं प्रकाश है, ऐसा साक्षी यह अपना स्वरूप है। ये बात यहां बताते हैं, जे आत्मज्ञान निखळ, जो आत्मज्ञान निखळ माने शुद्ध है, और यदि वही शुद्ध ज्ञान ते ही घे ज्ञानाचे बळ, और यदि वो ज्ञान कहे कि मुझे मुझको जानने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता है, तो उसका उदाहरण देते ज्ञानेश्वर महाराज, तई सूर्य चिंती सबल तैसे नभे, रोज सूर्य को उगना है और उगने के पहले रोज परेशानी, अब गैस खत्म हो रही है, मैं दुनिया को कैसे प्रकाश दूंगा। हाँ, सूर्य को प्रकाश के लिए किसी दूसरे प्रकाश पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता, लेकिन जो सभी वस्तुएं सूर्य प्रकाश पर अवलंबित है, और यदि सूर्य का उगना बंद हो जावे तो उनका अस्तित्व धोखे में आ जाएगा। जिस प्रकार से सूर्य को अपने प्रकाश को फेंकने के लिए किसी दूसरे प्रकाश पर अवलंबित नहीं रहना पड़ता, उसी प्रकार से यदि कोई कहे कि मैं अपने स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी साधना कर रहा हूं, अब मैंने सब इदम वृत्तियों का त्याग कर दिया है, अब केवल एक अखंड ब्रह्माकार वृत्ति है, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, अब मुझे लग ही रहा है कि मैं तो ब्रह्म हुई, संत ज्ञानेश्वर कहते हैं अभी तुम बेवकूफी में बिल्कुल शिरोमणि हो गए हो, है ना। तई सूर्य चिंती सबल, जैसे
सर्वशक्तिमान सूर्य कल कैसे प्रकाश दूं इस चिंता को लेकर के रात भर नहीं सो पाया। उसी प्रकार से वो साधक वो सोचे कि अब मुझे साधना करके अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त करनी है, यो उसी प्रकार से है। अब इस विचार को और आगे बढ़ाते हैं। ज्ञाने श्लाघत आहे तई ज्ञानपणे ज्ञानपण धाडिले वाए दीप वाचोनी दिवाला हे तई आंग भुललाचिकी। वह ज्ञान जो दूसरे ज्ञान के कारण श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, देखो तई ज्ञानपणे धाडिले वाए, यदि कोई हमको कहे कि देखो ब्रह्मचारी जी आप बड़े अच्छे हैं और इसीलिए हम भी सोचने लगे, लोग कहते हैं तो शायद हम अच्छे होंगे, तो हमारा अच्छा होना असली नहीं है, बनावटी है, क्योंकि लोगों ने हमको अच्छा बना दिया है। बाबा जी लोग ऐसे ही बनते हैं ना। बचपन में हमने कहीं एक सिनेमा देखा था, आप लोगों ने देखा होगा, गाइड गुरु गाइड है उसका, और उसमें वो व्यक्ति बिना किसी कारण के ऐसे ही कहीं जाता है और फिर गांव के लोग उसको कहते हैं कि महात्मा जी आ गए, चरण छूना ये वो सब शुरू हो गया और उसको कोई चॉइस नहीं है। एंड देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग प्रोबेबली आई एम रियलाइज, और इस प्रकार से यदि हमारा बड़प्पन किसी के कहने के कारण होता है तो वो बड़प्पन बनावटी होता है। जैसे हमारे विनोबा भावे की बात बतावे, उन दिनों में अर्ली ट्वेंटीज जब उनको डिग्री मिली तो वो जाकर के उस डिग्री को बिल्कुल बाकायदा कॉन्वोकेशन में फाड़ करके उनको हाथ में दे दे, इसमें पकौड़े खा लेना। तो उनको कहा गया था, डू यू नो व्हाट यू आर लूजिंग, दिस विल प्रूव योर वर्थ। तो दैट टाइम दैट ग्रेट महात्मा सेड कि इस डिग्री के कारण मैं बड़ा नहीं हूं, मेरे कारण इस डिग्री का महत्व है। जब तक के हमको अपने पावित्र्य पर, जब तक के हमको अपने अंतकरण की शुद्धि पर दूसरे के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है ना, तब तक के अभी हमने साधना करी ही नहीं। चाहे कोई कुछ कहे, लेकिन जब व्यक्ति को अपने सुंदरता पर दूसरे के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है तब वो असलियत होती है। जैसे यदि हमारी सुंदरता खूब मेकअप करने के बाद है, क्योंकि बहुत ब्रेकअप है, मेकअप करने का तात्पर्य यही है कि भगवान की कमी को दूर करना। सो नाक टेढ़ा है तो यहाँ दीप बिंदी ऐसी लगाना कि लोगों का ध्यान उधर जाए, टेढ़ा नाक चुभ जाए। एक ये मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा है, इसका मतलब ये मत समझना जितने लोग बिंदियां लगाते हैं जैसे मैं लगाता हूं तो मेरा नाक टेढ़ा है, ऐसी बात नहीं। तो यदि हम अपने जीवन को चलाते समय ये कल्पना करें कि दूसरों के कहने के कारण हम अच्छे हैं, उनको भी पूछ लेना कि हाउ गुड आई एम, देन दैट गुडनेस इज डाउटफुल। भगवान यहां यही कहते, ज्ञाने श्लाघता है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, ये मुझे वृत्ति ज्ञान के द्वारा कहना पड़ता है। देखो ना, एक बात होती है, पहले के जमाने की जो पति पत्नी है उन्होंने ये वाक्य अपने पूरे जीवन में कभी नहीं कहा होगा, यदि वो असली पुराने जमाने के है तो। कौन सा? आई लव यू, आई लव यू, ये वाक्य पुराने जमाने के पति पत्नी ने कभी नहीं कहा होगा। क्यों नहीं कहा होगा? क्योंकि वो लवते हैं, कहते नहीं है।
है ना। और आजकल के जमाने में एवरी मॉर्निंग यू गेट अप देर इज ए प्रिंटेड यू नो पाइल केप्ट टेक दिस टिकट लेट मी स्लीप आई लव यू प्रोवाइडेड यू अलाउ मी टू स्लीप। किशन जी तो जरा ध्यान से सुनना, जो प्रेम शब्दों में अभिव्यक्त होता है कि मैं प्रेम करता हूं या करती हूं वह प्रेम नहीं होता, वो प्रेम का डायलॉग होता है। और डायलॉग माने क्या, जिसका लॉग सर पर पड़ने के बाद आदमी डाय हो जाता है। ज्ञानेश लागता है। देखो अपने स्वरूप में जब तक के वृत्ति ज्ञान का व्यापार होगा तब तक के हम अपने स्वरूप से करोड़ों मील दूर है, तो वह अपना स्वरूप जिसमें ज्ञान की महिमा है वह अपना स्वरूप नहीं है। फिर हमारी महिमा किसमें है, जिसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों को इक्वल वैल्यू है या दोनों को कोई भी वैल्यू नहीं है। अब देखो ना, जागृत और स्वप्नावस्था के अस्तित्व को आधार देने वाला मैं और सुषुप्ति के अभाव को आधार देने वाला मैं, मुझे ना तो जागृत और स्वप्न के वस्तु व्यक्ति या त्रिपुटियां इनके प्रति कोई आसक्ति है, ना तो सुषुप्ति में इनके अभाव के कारण कुछ कमी महसूस हो रही है। वह जो मैं जो भाव और अभाव इन दोनों को प्रभावित करता है वह इनके प्रभाव से नित्य निर्मुक्त है। ज्ञानेश लाघता है तई ज्ञानपण धाड़ी लेवाए। इट इज ए वेस्टेज टू से दैट आई एम रियलाइज और आई एम नॉट रियलाइज, क्योंकि ये केवल शब्द मात्र है। विकारो नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम। तो ज्ञानेश लाघता है तई ज्ञानपण धाड़ी लेवाए। उदाहरण देते हैं, दीप वाचूनी दिवाला है तई आंग भूललाच की। यदि जलते हुए दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक को ले जाना होगा तो पहला दीपक दीपक है ही नहीं, केवल उसका नाम दीपक है। जैसे एक सज्जन थे और उनको ये ब्रह्म शब्द से बहुत चीट थी, हर जगह ब्रह्म ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म ही सब कुछ है, क्या ब्रह्म ब्रह्म लगा दिया। उन्होंने अपने लड़के का नाम ब्रह्म रख दिया और उसके बाद एक बार सत्संग में गए और वहां वेदांत में चर्चा हो रही थी कि एकमेवा द्वितीयम बृहत्वाद ब्रह्म ब्रह्म, ये क्या तुमने ब्रह्म ब्रह्म लगा के रखा है। बोले आप कौन है, मैं ब्रह्म का बाप हूं। आप कौन है। तो यदि किसी ने अपने लड़के का नाम ब्रह्म रख दिया और कहने लगे कि मैं ब्रह्म का बाप हूं, तो उसी प्रकार से इस वृत्ति ज्ञान को सहारा लेकर के अहम ब्रह्मास्मि के वृत्ति को पकड़ के रखने के लिए तरस रहे हैं। तो ये तो ऐसा ही है, कहना कि मैं जलता हुआ दीपक हूं केवल इसमें प्रकाश की आवश्यकता है, उसी प्रकार से कहना कि मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप हूं और ऐसे ज्ञान स्वरूप को मैं जानता हूं, जो ज्ञाता है वो कहता है कि मैं ज्ञेय के रूप में जानता हूं। और इसीलिए जब तक के ये वैखरी वाणी का बंधन नहीं छूटता, जब तक के मध्यमा वाणी का बंधन नहीं छूटता, जब तक के पश्चंती वाणी का बंधन नहीं छूटता और जब तक के परावाणी का बंधन नहीं छूटता, तब तक के हम केवल शब्द ज्ञान में ही है। और जब तक के शब्द ज्ञान में रहेंगे तब तक के हम अभी परमात्मा से बड़े दूर हैं। अब ये सिद्धांत बताने के लिए दो चार उदाहरण देते हैं ज्ञानेश्वर महाराज। कहते हैं, आपण पे आपणा पाशी, हम है अपने ही पास, और निर्णता देशो देशी, और हम भूल गए कि हम हैं।
फिर क्या शुरू कर दिया, फिर ढूंढना शुरू कर दिया। चलो हम सुधांशु चैतन्य को ढूंढते हैं और हम घूम रहे इस गाड़ी से उस गाड़ी में, इस पेड़ से उस पेड़ पर, पता नहीं कहां होंगे। और आपन पे गिवसी हे की रहो ए, और ऐसा ढूंढने ढूंढने के बाद कभी संभव है कि मैं मुझे ही पा सकता हूं? असंभव है, क्योंकि जो वस्तु अज्ञान के कारण खो जाती है वह कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। कारण यह है कि जो वस्तु अज्ञान के कारण खोती है वो असल में नहीं खोई हुई होती, खोने का केवल भ्रम मात्र होता है। और इसीलिए ज्ञान के द्वारा जिस वस्तु की प्राप्ति होती है उसको प्राप्ति भी नहीं कह सकते, वो प्राप्ति भी नहीं है, केवल प्राप्त होने की एक कल्पना मात्र है। तो आपण पे आपणा पासी निर्णता देशो देशी, आपण पे गिवसी हे की रहोय, उसी प्रकार से। लेकिन यदि समझो किसी को ऐसा हो गया तो कहते हैं परी बहुता का दिया आपणा पे आठवलिया मणे मीयया कैसा रिझो। और यदि कोई कहे कि मैंने बहुत प्रयत्न किया अपने आप को ढूंढने का और खूब ढूंढा और एक दिन जा करके फिर मुझे याद आया कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मैं ही हूं, और उसके बाद आप मैं तसल्ली को प्राप्त हो गया हूं, तो उस व्यक्ति ने किया क्या? पहली जितनी पैदली करी उस पैदली का एक ही कारण है कि उसने अपने आप को भूलने का जो महापाप किया था उसी के कारण। तो हम अपने आप को क्यों भूल जाते हैं? इसलिए भूल जाते हैं कि बाहर के जगत में अनावश्यक रीति से फंस जाते हैं। देखो एक बार हमारे स्वामी जी बता रहे थे कि जब उनके गुरु महाराज के शरीर की शांति का समय आया तो स्वामी जी गए उनको मिलने के लिए रोना धोना, और उसके बाद कह रहे थे कि चलो हम आपको दिल्ली ले जाएंगे आपका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो उस समय तपोवन महाराज कहते हैं कि देखो बेटा वेदांत बोलना बहुत आसान है, द सिंपलेस्ट टॉपिक ऑन द ग्लोब इज टू टॉक वेदांत, इट हैज एन एंचेंटिंग ब्यूटी ऑफ लॉजिक एंड रीजन, एंड देयरफॉर ऑल ऑफ अस विदाउट एक्सेप्शन आर लिपस्टिक वेदांतीज। लिपस्टिक वेदांती मीन्स दोज टू हूज लिप्स वेदांत इज स्टक, इट इज नॉट गोइंग इन साइड, बारी बार। तो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में केवल वेदांत की बातें तो बहुत हो रही है लेकिन उसको उतारना नहीं, तो इसमें जैसा कितना भी प्रयत्न करने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन उसके विरुद्ध यदि हमको अपने ही स्वरूप की स्मृति हो गई, अपने स्वरूप की स्मृति कैसी हो गई, खूब हम अपने आप को ढूंढ रहे और थक करके बैठे, और जहां बैठे तो ऐसा स्थान मिला कि सामने एक दर्पण रखा हुआ है, और जहां बैठे अरे मैं इसी को ढूंढ रहा था। उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में धक्के खाते हैं आनंद की खोज के लिए, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और ऐसा कुछ एक जीवन में दिन आ जाता है कि उस दिन शास्त्र रूपी दर्पण हमारे हाथ में आ जाता है, और जहां हमने शास्त्र रूपी दर्पण में अपने आप को देखना प्रारंभ कर दिया उसके बाद फिर उस दर्पण को हम छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? पता नहीं फिर भूल जावे और ढूंढना शुरू करे, तो जैसे भूलना हुआ अपने हाथ में शास्त्र दर्पण लिया और फिर अपने ही आंखों से अपने ही सौंदर्य को देखते रहे, यह जब होगा नित्य रूप से। और इसीलिए हमारे शंकराचार्य कहते हैं वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वरुष्ठीयताम, नित्य रूप से सत्संग, नित्य रूप से आत्मचिंतन, यही एक तरीका है अपने आप को याद रखने का।
नहीं तो लड़का ऐसा है, लड़की ऐसी, बहू ऐसी है, ये ऐसा है, रोड के गड्ढे ऐसे हैं, ट्रैफिक ऐसे है, इसका कोई अंत नहीं। वी हैव टू डिसाइड अ डे इन आवर लाइफ, दिस मच इज इनफ, नाउ आई विड्रॉ बिफोर द वर्ल्ड हैज टू पुश अस आउट ऑफ द वर्ल्ड। वी शुड हैव द लिबर्टी, विजडम एंड फ्रीडम टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड। लेकिन ये जब समझ में नहीं आती बात, तब हम अपनी साधना करते हैं। साधना क्या करते हैं, हम अपना कर्तव्य कर्म इतना सिंसियरली निभा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमको नहीं समझते। यदि बच्चे आपको समझेंगे तो दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। समझदारी बड़न को चाहिए, छोटन को नहीं। हमारी प्रॉब्लम यही है, देखो आजकल के बच्चे बड़ों को बिल्कुल नहीं समझते, आजकल के बड़े बच्चों को हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते। ये वाक्य बच्चे कहते हैं इन ब्रैकेट। इसलिए परे बहुता का दिया आपना पे आठवलिया मणे मी आया कैसा रिझो। अब ये कहने के बाद उसी प्रकार से तैसा ज्ञान रूप आत्मा ज्ञाने ची आपुली प्रभा करी तसे सोहम्मा। ऐसा बंध, ज्ञान का बंध क्या है, और इसमें इसका पूर्ण निर्णय हो गया। उसी प्रकार से जो अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, वह आत्मा कहता है, क्या कहता है, तैसा ज्ञान रूप आत्मा ज्ञाने ची आपुली प्रभा। जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण ज्ञान की सिद्धि होती है, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा वृत्ति ज्ञान से देख करके उसको हम कहते हैं सोहम सोहम कोहम कोहम। तो इसको कहते हैं ऐसा ज्ञान बंध। अब जरा ध्यान से सुनना, वैखरी वाणी का बंधन माने जागृत अवस्था को अनावश्यक महत्व अपने जीवन में होना, यह है वैखरी वाणी का बंधन। और मध्यमा वाणी का बंधन यह है कि हमारे जीवन में लिंग शरीर या स्वप्नावस्था का अनावश्यक महत्व, लिंग शरीर स्वप्नावस्था का अनावश्यक महत्व कैसा होता है कि जो लोग इतने दरिद्री होते हैं कि उनको सपने भी नहीं आते, या तो वो जागते रहते हैं या तो फिर पिलो पिल या पिलो करके सो जाते हैं, बीच में की स्टेज नहीं आती। तो फिर वो लोग क्या कहते हैं, करते हैं, जागते रहेंगे बिस्तरे पर और मन के द्वारा मनोराज्यों का प्रक्षेपण करते रहेंगे, दूरदर्शन सिर्फ उसकी जो दू की मात्रा है वो ह्रस्व है, दूरदर्शन अनेक प्रकार की कल्पनाओं के साम्राज्य में रहेंगे और फिर उस कल्पना को सत्य समझने लगेंगे। ये हम सभी करते हैं, किसी को अपना कह लिया मान लिया, किसी को पराया कह लिया मान लिया, कोई को महत्व का कह लिया मान लिया, किसी को अनावश्यक समझ लिया मान लिया, और उसी हमारी जो इमेज हमने बनाई है दुनिया की और अपनी, उस इमेजेस को लेकर के अपने कंधों पर लेकर के चल रहे हैं कि मैं कितना अच्छा हूं, लेकिन लोग समझते नहीं। तो हम ही अपनी इमेजेस को लेकर के इमेज लो इमेज, बड़ी सुंदर इमेज है और कोई नहीं लेने को तैयार। ये हो गया हमारे मध्यमा वाणी का बंधन। और तीसरा है पश्यंती वाणी का बंधन। पश्यंती माने देखती है लेकिन देखती नहीं, पश्यन अपि न च पश्यति मूढ़ा, ये है पश्यंती वाणी का बंधन। पश्यंती में जो ती है वो दीर्घ है, ह्रस्व नहीं है। पश्यंती की ती जब ह्रस्व होगी तब वो क्रियापद होगा, और पश्यंती ये क्रियापद नहीं है, ये उस वाणी का विशेषण है, और इसीलिए पश्यंती माने देखती हुई,
सो देखती हुई भी नहीं देखती है। जैसे कोई व्यक्ति चल रही हो, अब यहां स्त्रीलिंग है तो मैं उसी का प्रयोग करूंगा, कोई कन्या चल रही हो सामने और सामने इलेक्ट्रिक का खंभा है, लेकिन चली जा रही और जाकर के खंभे को डैश किया और सब जगह का इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर है ना। और फिर उसको पूछो कि अम्मा ये कैसे हुआ, देखती नहीं क्या? मैं देख रही थी। फिर ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? आपको प्रश्न पूछने के लिए, ताकि आपको कुछ प्रश्न पूछने को मसाला मिले। तो पश्यंती माने, जरा ध्यान से सुनना, पश्यंती माने सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान को देखते हुए अज्ञान मेरे ज्ञान का विषय है ये जानते हुए मैं अज्ञानी नहीं हो सकता, ये सत्य होते हुए भी स्वयं को अज्ञानी स्वीकार करना, ये है पश्यंती वाणी का सुषुप्ति अवस्था का बंधन। वैखरी मध्यमा पश्यंती, और फिर है परावाणी का बंधन। परावाणी का बंधन क्या है? जागरण स्वप्न सुषुप्ति, इसका तो त्याग कर दिया। अब क्या हो रहा है? अब हम ध्यान लगा करके अपने स्वरूप में बैठे हैं। सब व्यतिरेक से हटा दिया, मैं स्थूल शरीर वैखरी वाणी का संबंध रहित चैतन्य हूं, बहुत बढ़िया। फिर मैं मध्यमा वाणी और उसका लिंग शरीर, इनके संपर्क से रहित शुद्ध चैतन्य हो, बहुत बढ़िया। फिर तीसरा, मैं अज्ञान का प्रकाशक, अज्ञान के द्वारा अप्रभावित ऐसा शुद्ध चैतन्य मैं हूं, बहुत ही बढ़िया। और इस प्रकार से मैं इन सब से अलग हूं, बहुत बढ़िया। और यही बंधन है। ये कैसा बंधन हो गया? ये ऐसा बंधन हो गया, अरे महाराज ये सब चीजों से तुम अलग हो, अलग हो, अलग हो, अलग हो, तो ये है क्या ताऊ तुम्हारा? देखो हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज की भाषा समझने के लिए शेर का दिल चाहिए। जब तक के परमात्मा को विश्वोत्तीर्ण एंड विश्वरूप मीनिंग ट्रांसेंडेंटल एंड इमिनेंट साइमल्टेनियसली, जब तक के ये अनुभूति नहीं होती तब तक के अभी आत्मज्ञान में निष्ठा हुई ही नहीं है। ये तो पहली जो व्यतिरेक की प्रक्रिया है कि मैं वैखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी के परे हूं। फिर कौन हूं? मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, जाके बैठे परावाणी में। और फिर परावाणी में जाके बैठने के बाद यदि इन चार वाणियों का डर लगता है तो ऐसे डरपोक स्थान परमात्मा का नहीं होता। पानी समुन्दर के रूप में रहते हुए भी बड़प्पन का जिसको अभिमान नहीं वो पानी, और एक दव बिंदु के रूप में रहते हुए भी परिच्छिन्नता की हीनता जिसमें नहीं है वह पानी। उसी प्रकार से जिसने वैखरी मध्यमा पश्यंती इनका त्याग करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए परावाणी में जाके बैठे और बाहर आने का जिसको डर लगता है, ऐसा डरपोक अपना स्वरूप नहीं है। इसलिए यहां कहते हैं तैसा ज्ञान रूप आत्मा ज्ञाने ची आपुली प्रभा, कि जितनी अपनी प्रभा अपना जो प्रकाश है ये हम कैसा जानते हैं? केवल शब्द प्रकाश से, कि मैं वैखरी वाणी का विषय नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं, ये केवल शब्द प्रकाश है। फिर मैं मध्यमा वाणी का विषय नहीं हूं, ये केवल शब्द प्रकाश है। फिर मैं पश्यंती वाणी का विषय नहीं हूं, ये शब्द प्रकाश है। और मैं परावाणी के परे हूं, ये भी केवल शब्द प्रकाश है। असलियत क्या है? असलियत ये है कि मैं ही परा के रूप में, मैं ही पश्यंती के रूप में, मैं ही मध्यमा के रूप में, और मैं ही वैखरी के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं। और यदि मैं ही सब कुछ हूं तो मुझ पर
किसी का कोई बोझा नहीं है। जैसे यह सर भी मैं हूं, कंधा भी मैं हूं, तो कंधे पर सर का बोझा कभी नहीं होता। उसी प्रकार से यह संपूर्ण अव्यक्त अभिव्यक्त और अव्यक्त अभिव्यक्त का परा जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ये सभी का सभी केवल मैं मात्र हूं, इस ज्ञान में वृत्ति ज्ञान का व्यापार असंभव है। यही यहां बात कहते हैं, तैसा ज्ञान रूप आत्मा ज्ञानेची आपुली प्रभा करितसे सोहम्मा ऐसा बंध। देखो, इसीलिए पहले गड़बड़ी से हट करके शांत में जाके बैठे। उस समय शांति का मतलब ये होता है कि जहां रेडियो नहीं बज रहा हो, टीवी नहीं चल रहा हो, बच्चे नहीं खेल रहे हो और पति पत्नी का प्रेमालाप वार्तालाप नहीं चल रहा हो, ऐसे जगह जाकर बैठो, उसको कहेंगे शांत स्थान। फिर कहेंगे बंबई से हटकर के सिद्धवाड़ी में जाके बैठो, रिलेटिवली मोर शांत। और वहां जाकर के आश्रम से हटकर के वो पहाड़ के चोटी पर जाके बैठो और रिलेटिवली शांत। अब कहां कहां दौड़ते रहोगे। फिर कहेंगे जागृत अवस्था का त्याग करके हमेशा अपने मध्यमा वाणी में रहो। मध्यमा वाणी में रहो माने इस जगत के बारे में टीका टिप्पणी करना बंद कर दो। ये जगत जैसा है वैसा ही ठीक है, अपन को क्या लेना है। इस जगत में जो ज्ञानी है उनसे किसी को आज तक लाभ नहीं हुआ और जो अज्ञानी है उनसे आज तक किसी को हानि नहीं हुई। क्यों? कि ऐसा ही है, लाभ हानि केवल अपने ही मन की कल्पना है। जब वैखरी से निकले मध्यमा आके बैठे, मध्यमा में आके बैठने के बाद वहां भी थक जाएंगे, फिर वहां से हटो, चलो चलते हैं अपने पश्चंती में। तो पहले जगत का त्याग करके सेक्लूडेड रहना, उसको रिलेटिवली शांति कहेंगे। फिर वैखरी का त्याग करके मध्यमा में आएंगे, तब सेकंड रिलेटिवली शांति। फिर इस मध्यमा से हट करके पश्चंती में आकर के बैठे सुषुप्ति अवस्था में, उसको कहेंगे स्टिल हायर रिलेटिवली शांति। और फिर इन तीनों अवस्था के परे अपने निर्विकल्प समाधि के अभ्यास में बैठे हैं, वहां हम जाके पहुंचे पराशांति, वहां किसी भी वृत्ति का व्यापार नहीं है, इसीलिए निर्विकल्प समाधि। लेकिन उसके बाद फिर विकल्प, फिर सुषुप्ति, फिर मध्यमा स्वप्नावस्था और फिर जागृत, और ये गणित हमेशा चलता रहेगा। फिर क्या करेंगे हम, इससे डर करके वहां जाएंगे, वहां से बोर होकर के फिर यहां आएंगे और ये हमेशा चलता रहेगा। फिर असली शांति क्या है, असली शांति ये है चाहे जागृत अवस्था रहे, लेकिन जो व्यक्ति जागृत अवस्था में रहकर भी सो सकता है वही अपने स्वरूप में स्थित है, जैसे हम वेदांत का श्रवण करते समय। वेदांत का श्रवण करते समय भगवान को भी हम धोखा देते, भगवान यू थिंक दैट वी आर लिसनिंग, ट्राई। असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः, नथिंग कैन एवर टच अस, द ट्रेजेडी इज वी आर अनटचेबल। इसको कहते अस्पर्श योग। तो तैसा ज्ञान रूप आत्मा ज्ञानेची आपुली प्रभा करितसे सोहम 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 ऐसा बंध। जब कोई व्यक्ति, जैसे एक हमने पढ़ा था कहीं पुस्तक में, एक बार पहली बार हमारे नेहरू जी महाराज प्राइम मिनिस्टर बन गए अपने देश के, और फिर देशवासियों को मिलने के लिए, वो देशवासी कहाँ है हमारे देश के, जेलों में पागलखानों में, ऐसे कई लोगों की धारणा है। कल भी देखा आपने ना, वो जेलों के लोगों की कितनी तारीफ हो रही थी, जेल के बाहर है उनकी, उनको मारो, जो जेल में है उनकी आरती करो,
कलयुग में ऐसा ही होता है। तो हमारे देश के प्रथम पंतप्रधान देशवासियों को मिलने के लिए बरेली के पागलखाने में पहुंचे, क्योंकि उनको मालूम है अपने देश के देशवासी कहां रह सकते हैं। पहुंचने के बाद अब अपना वो फूल फूल लगा करके बिल्कुल स्टार्स के हुए कपड़े पहन के गए। वहां जाने के बाद वहां के जो खानदानी पागल थे उसने कहा, हाँ भाई कौन है, कहां से आया है? तो उन्होंने कहा, तू मुझे जानते नहीं हो? बोले, नहीं इसलिए तो पूछ रहा हूं, बोल कौन है तू? बोले, मैं भारत का पंतप्रधान, प्रथम पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, तुम भी वही कहते हो, तुम भी आ जाओ। यहां आने वाला हर एक यही कहता है ना, ध्यान बंध। यदि किसी ने कोई चित्र निकाला हो, जैसे एक किसी ने मुझे हमारे स्वामी जी का एक स्टैचू बनाया, बड़ा छोटा सा है, बड़ा सुंदर सा है, तो वो सब बनाया देखा, हाँ जी कैसा बनाया? बहुत बढ़िया, अच्छा पत्थर है, सब कुछ ठीक ठाक है। बोले, कुछ सजेशन दीजिए, आर्टिस्ट इज हियर, वी कैन चेंज इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो हमने बोला, आपने कहा है तो मैं बता ही देता हूं, इसके नीचे एक प्लेट लगाओ स्वामी चिन्मयानंद, उसके सिवाय इसको पहचान नहीं सकेंगे। यदि किसी ने महात्मा गांधी का चित्र निकाला हो और जब तक के लेबल नहीं होता तब तक कि वो महात्मा गांधी का चित्र है ये समझ में नहीं आता। उसी प्रकार से यहां कहते हैं, जब तक के सोहम सोहम का हम नहीं करते तब तक के अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। यदि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही है, ये ऐसा बंध। इसलिए स्वरूप ज्ञान में किसी भी प्रकार के वृत्ति का व्यापार नहीं होता। वृत्ति व्यापार रहित ज्ञान ही अपनी असलियत है। हम देखो, ये जब हम कहेंगे ना, कह रहे तो आप लोगों को लग रहा बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग डिफिकल्ट बना रहे क्यों? कि वृत्ति ज्ञान रहित को कैसा है ये समझाने के लिए और वृत्तियां मैन्युफैक्चर कर रहे। अच्छा ऐसा है, हाँ समझ में आया। और फिर वो उसी वृत्ति के थोड़ा पीछे चला गया, अत्यतिष्ट दशांगुलम। जैसा हम किसी जगत की किसी भी वस्तु को देखते हैं तो अपने से पराये के रूप में जानते हैं। जहां जहां ज्ञान में दूसरेपन की भावना होगी वहां वृत्ति का व्यापार होगा, और जहां ज्ञान में दूसरेपन की भावना का अभाव होगा वहां वृत्ति का व्यापार नहीं हो सकता। जैसे पुस्तक है, इस पुस्तक के अस्तित्व में अस्तित्व वृत्ति का उदय हुआ है, और इसीलिए जब पुस्तक को हटा देंगे तो हम कहेंगे पुस्तक नहीं है, तो वहां अस्तित्व वृत्ति का निराकरण हो गया। उसी प्रकार से जब मैं कहता हूं कि मैं हूं तो मेरा जो अस्तित्व है जिसको मैं जान रहा हूं, मेरे अस्तित्व को, यह अस्तित्व वृत्ति ज्ञान का नहीं है। कारण क्या है? कारण कि मैं अपने अस्तित्व का अनादर कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नित्य उपलब्ध हूं। और इसीलिए जब तक के हम अपने स्वरूप को पहचानने के लिए वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा इन चार रानियों के महारानियों के चक्कर में फंसेंगे, तब तक के हम अभी बंधन में हैं। यही बात भगवान कहते हैं, जे ज्ञान स्वये बुड़े मनौनी भारी नावड़े ज्ञाने मोक्ष घड़े ते निमालेनी। ज्ञाने मोक्ष घड़े, वह ज्ञान जिसके द्वारा मोक्ष होता है वो कौन सा ज्ञान? ते ज्ञान निमालेनी। जब वो ज्ञान स्वयं नष्ट हो जाता है तब कहीं हमको अपने स्वरूप का दर्शन होता है। उदाहरण दिया उन्होंने, जे ज्ञान स्वये बुढ़े। देखो, अज्ञान भी वृत्त्यात्मक है। मुझे वेदांत का अज्ञान है, फिर हमने वेदांत का अध्ययन किया,
अब मुझे वेदांत का ज्ञान है, तो क्या किया, वेदांत के अज्ञान को वेदांत के ज्ञान ने नष्ट कर दिया। और आप कौन है जिसने वेदांत के अज्ञान का भी समर्थन किया था और अब जो वेदांत के ज्ञान का भी समर्थन कर रहा है, फिर मैं हूं कौन? तो मैं वही हूं जो पहले था, जो अब हूं और जो हमेशा ज्यों का त्यों रहेगा। तो जब तक के हमको ये बात समझ में नहीं आती, अज्ञान वृत्ति का नाश ज्ञान वृत्ति से और फिर ज्ञान वृत्ति का समर्पण उस ज्ञान के अभाव में जब होगा, तब हमको अपने स्वरूप का दर्शन होगा। हमारे शंकराचार्य महाराज इस चीज के लिए उदाहरण देते हैं आत्मबोध में, जलम कतक रेणुवत, बताते हैं कि जैसे कोई मटमैला पानी हो तो उसके ऊपर में हम लोग एलम घुमाते हैं, एलम ब्लॉक लेकर के उसको घुमाते हैं, फिर क्या हो जाता है, वो एलम की एक थीन लेयर बन जाती है उसके ऊपर और उसके कारण वो जितने भी मड पार्टिकल्स है पानी में सस्पेंडेड, वो सभी के सभी चद्दर के साथ नीचे धीरे धीरे जा करके शांत हो जाते हैं और ऊपर क्या बचता है, पानी। उसी प्रकार से अज्ञान के वृत्ति को नीचे दबाने के लिए ज्ञान वृत्ति और फिर ये ज्ञान वृत्ति अज्ञान को लेकर स्वयं समाप्त हो जाती है और जो ज्ञान और अज्ञान इन दोनों का विरोधी नहीं है, वह अविरोध तत्व मैं अपना आप हूं, ये समझ में आ जाता है बिना समझ के जे ज्ञान, क्योंकि समझ में आ जाता है फिर चक्कर, हाँ हाँ आप समझ में आ गया, यदि मन में से सुवे देती दभ्रम एवापि नूनम, फिर वहां गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। सब तो चक्कर समझदारी का ही है, ऐसे चक्कर समझदारी का है कि जब हम अपने आप को समझदार मानते हैं तब होते नहीं और जब होते हैं तब मानते नहीं। एंड मैटर अन मैनिफेस्ट is energy. When the matter gets manifested, it is solidification of the energy, and when the energy is unmanifest, it is called as Shuddha Shakti energy. अब ये दोनों के दोनों व्यक्त जगत और अव्यक्त शक्ति, ये एक ही चीज के दो नाम है और ये दोनों हमने पहले अध्याय में देखा है शिव शक्ति समावेशन में, यह जो शक्ति है यह शिव जी पर अवलंबित है, यह शक्ति शिव जी के लिए बोझा नहीं है, यह शक्ति शिव जी के सिवा नहीं रह सकती, लेकिन शिव जी को ये पूर्ण स्वातंत्र है कि इस शक्ति को अभिव्यक्त करने दे या न करने दे। आप देखो ये यदि समझ में आ गया हो तो यह संपूर्ण जगत एक ही शुद्ध तत्व जिसकी शक्ति का प्रादुर्भाव होने की पहली स्टेज है बिंदु, दूसरी स्टेज है नाद, तीसरी स्टेज है कला और चौथी स्टेज है यह स्थूलीकरण। और इसीलिए गुरु स्तोत्र में आता है बिंदु नाद कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः। तो परावाणी जो है वो बिंदु अवस्था की प्रथम स्टेज, फिर पश्यंती वाणी जो है उस बिंदु का नादीकरण शुरू हो गया लेकिन हुआ नहीं भी पूरा, और फिर इस बिंदु का जब नादीकरण शुरू हो गया तो मध्यमा में आकर के यह पश्यंती से फिर इसका नाद में पूर्ण रूपांतर हो गया, लेकिन वह नाद अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ। और जब यह मध्यमा वाणी से निकल करके वैखरी वाणी में आ जाती है तब वह अव्यक्त नाद ध्वनि व्यक्त हो गया। यह संपूर्ण विश्व इसी प्रकार से परमात्मा से विजृंभित, विजृंभित माने मानो भगवान को जमाई आ गई, आ कर दिया और संपूर्ण विश्व निर्माण हुआ। और फिर जमाई होने के बाद वो जवाई थोड़ी है हमेशा मुंह खोला ही रखेंगे, फिर वो मुंह बंद करते
और फिर मुंह बंद कर दिया तो पूर्ण का पूर्ण विश्व फिर उसमें तिरोहित हो गया। इस प्रकार से यह संपूर्ण विश्व एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है। और यह अभिव्यक्ति कैसी है? अभिव्यक्त होते हुए भी जिसमें किसी भी प्रकार के विकारों का प्रकार कभी भी नहीं है, ऐसे अविकारी अभिव्यक्ति को परमात्मा कहते हैं। ये है असली। ये ज्ञान स्वये बुड़े मनोनी भारी नावड़े ज्ञाने मोक्ष घड़े ते निमालेनी। और इसीलिए पहले हम वैखरी वाणी से निकलते हैं अभिव्यक्त नाद से, फिर आ जाते हैं अपने मध्यमा वाणी में जहां नाद रहता है लेकिन वो अनाहत ध्वनि है। देखो जब हम वैखरी वाणी से बोलते हैं तब उसमें आहत माने दो चीजों का एक दूसरों को टकराना, उसको कहते आहत ध्वनि। तो हमारे भाषा शास्त्र के अनुसार जब हमारी जिह्वा अपने मुंह के अंदर में आठ स्थान है, उन आठ स्थानों को स्पर्श करती है तब कहीं जाकर के 50 के 50 वर्ण और स्वर इनका उच्चारण हो सकता है। इसीलिए वैखरी वाणी को कहते हैं आहत ध्वनि। अब उसके बाद आहत ध्वनि की और जो पहली स्टेज है वो है अनाहत ध्वनि। अनाहत ध्वनि हमको दो प्रकार से दिखता है, एक तो अपने मन के विचार, जैसे अपने ट्रैफिक लाइट के सामने लाल लाइट हो और अपनी गाड़ी खड़ी हो बिना चले घुर 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 घुर, वो जो इंजन का चलना है बिना चले उसी प्रकार से बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और अंदर ही अंदर में मशीन चल रहा, उनके आ जाएंगे ऐसा करेंगे, उन्होंने समझ क्या रखा है, जाकर उनकी टांग तोड़ेंगे, लेकिन उनकी टांग बहुत दूर है, अब क्या किया जाए। ये कौन किससे बोल रहा है? ये मणिराम बिना शब्दों के उच्चारण के लिए जो मशीनरी है वागेंद्रिय इसका प्रयोग न करके जो बोलना है मनीमन वो है अनाहत ध्वनि। ये हम सबको मालूम है। अब इससे भी बढ़कर अनाहत ध्वनि होता है जो हमारे पश्यंती वाणी में आता है, जो अपने उम्बलिकेश में नाभि स्थान में है। तो इस मध्यमा वाणी से निकलना माने जितने भी विचार है, जितने भी विचारों का प्रभाव है, उन सभी प्रभावों से अप्रभावित रहना। अब देखो पहले हमने वैखरी को छोड़ करके मध्यमा में आए, फिर मध्यमा में मन के स्तर पर आकर के अब मन के किसी भी विचार के द्वारा प्रभावित होना ही नहीं। तो क्या होगा? जितने मन के विचार विकार है अपने आप शांत होने लग जाएंगे, लेकिन जब वो शांत होने लग जाएंगे तब उनको सोने नहीं देना। तो फिर हम पहुंच गए अपनी पश्यंती वाणी पर। पश्यंती वाणी में यदि हम पहुंचे तो हम सब अभाव का दर्शन करते हुए भी अभाव को प्राप्त नहीं होंगे। वी विल नॉट गेट आइडेंटिफाइड विद द इग्नोरेंस एंड एंटर इन डीप स्लीप। तो यहां पश्यंती वाणी के पास आने के बाद फिर एक स्पष्टता आ जाती है, दिस इज हाउ द होल पिक्चर इज, आप समझ में आ गए। और उसके बाद हम इसके आगे जाएंगे। इसके आगे की कौन सी स्थिति है? जहां वृत्तियों का होना न होना इसका कोई मायने नहीं रखता। इसको पहुंचाने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है निर्विकल्प समाधि का। तो निर्विकल्प समाधि के अभ्यास के लिए प्रथम सविकल्प समाधि का अभ्यास, और जैसी जैसी सविकल्प समाधि मैच्योर होती जाएंगी उतने हम धीरे 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 निर्विकल्प समाधि के अग्रसर होंगे। और ये जितना चलता रहेगा उतना हमने वैखरी वाणी से निकल करके अब परावाणी की तरफ हमारा प्रवास प्रारंभ हो गया। अब यहां आने के बाद फिर उल्टा प्रवास शुरू करना, रुकना नहीं वहां। जैसे हम लोग समझो कहीं पहाड़ों पर जाते हैं केदारनाथ की पहाड़ी चलने के लिए, तो जब हम जाते हैं बड़े थकते थकते और ऊपर गए
टायर्ड। फिर हम लोग क्या करते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, देखो हम वहां से आए थे, वैसे आए थे, वो रास्ता देखो, वहां यहां से कितना कठिन लगता है, लेकिन हम आ गए। उसी प्रकार से वहां निर्विकल्प समाधि के अभ्यास में पहुंचने के बाद फिर डरना नहीं है। अगेन लुक बैक फ्रॉम परा, द नेक्स्ट स्टेप वॉज पश्यंती, वेरी गुड। फ्रॉम पश्यंती इट वॉज मध्यमा, क्लासिक। फ्रॉम मध्यमा इट वॉज वैखरी, ओ दिस इज द वे आई गो आउट एंड दिस इज द वे आई गेट इन एंड दिस फ्री मूवमेंट इन कॉन्शियसनेस कॉन्शियसली विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द मूवमेंट इज कॉल्ड एज सेल्फ रियलाइजेशन। देखो महात्माओं, मनोनी पराधिका वाचा जो तो श्रृंगार चौ आंगाचा एवं अविद्या जीवाचा जीवत्व त्यागी, ये इसका मतलब है। तो मनोनी इसलिए पराधिका वाचा, ये जो चार वाणियां है परापश्यंती मध्यमा वैखरी तो श्रृंगार चौ आंगाचा, चार शरीरों का वो श्रृंगार है, स्थूल शरीर का श्रृंगार है वैखरी वाणी, सूक्ष्म शरीर का श्रृंगार है मध्यमा वाणी, और कारण शरीर का श्रृंगार है पश्यंती वाणी, और समष्टि कारण शरीर का श्रृंगार है परावाणी। देखो ये चार स्टेजेस है। आप देखो श्रृंगार क्या होता है, श्रृंगार वो होता है कि वो बाहर से लादा गया खामो खाम का बोझा, उसको कहते हैं श्रृंगार। कई बार ये जब शादियां शुदियां होती है ना, तो लोगों को अपनी नथनी निकालने का बड़ा मुश्किल से मौका मिल जाता है ना, और फिर वो एक पत्ता नहीं कितना वजन होता है, आधा किलो तो होगा ही, उसे लटका लुटका करके बांध बुन करके लटके, और फिर वो क्या है, वो श्रृंगार है, और ऐसा होता है कब इसको उतार के निकाल दूं कहीं नाक न टूट जावे। उसी प्रकार से यह वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा, ये चार केवल हमारे श्रृंगार है, असलियत नहीं है। नाक की असली श्रृंगार नथ नहीं है, नाक की असली श्रृंगार है प्रत्येक गंध में प्रभु की स्मृति जागृत होवे, वो है नाक की असली श्रृंगार। उसी प्रकार से मनोनी पराधिका वाचा चौ तो श्रृंगार चौ आंगाचा, हम लोगों को ये चार शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर को लेकर के भेद निर्माण हो जाता है व्यष्टि और समष्टि। तो कारण शरीर हो गया व्यष्टि के रूप से और परावाणी जो समष्टि के रूप से है। इस प्रकार से मनोनी पराधिका वाचा तो श्रृंगार चौ आंगाचा एवं अविद्या जीवाचा जीवत्व त्यागी। इस प्रकार से जो ये चारों अलंकार है, श्रृंगार है चार वाणियों के, ये सब अविद्या के ही क्षेत्र में है। अविद्या का क्षेत्र माने क्या, अविद्या का क्षेत्र माने वह क्षेत्र जहां वृत्ति की प्रधानता है, वह ज्ञान जहां वृत्ति का प्राधान्य है, वह ज्ञान, जरा ध्यान से सुनना, जिस ज्ञान में फल व्याप्ति जागृत हो जाती। अब ये क्या आपने एक बला ले आए, फल व्याप्ति जागृत हो जाती। देखो हमने आपको बताया है पहले, आप झूठ मूठ के दिखा रहे हो कि मालूम नहीं, लेकिन हम भी झूठ मूठ के आपको बताएं। किसी भी वस्तु के ज्ञान में दो स्टेजेस होती है, जैसे यह पुस्तक है इसको कहेंगे वृत्ति व्याप्ति, और यह पुस्तक है इसको मैं जानता हूं, तो इस पुस्तक को जानने वाला मैं यह भी वृत्ति ही है। तो जिस ज्ञान में
फल व्याप्ति माने मैं इस वस्तु को जानता हूं, ये निर्माण नहीं होता, ऐसे वृत्ति व्याप्ति रहित ज्ञान को परमात्मा कहा है। मनोनी पराधिका वाचा तो श्रृंगार सौ आंगाचा एवं अविद्या जीवाचा जीवत्व त्यागी। इसलिए जीव भाव का त्याग करना माने इन चार वाणियों के परे जाने का एकमात्र प्रयत्न है, बाकी कुछ नहीं। अब अपने स्टाइल के अनुसार ज्ञानेश्वर महाराज उदाहरण देते हैं। आंगाचेनी इंधने उदासु उठोनी ज्ञानाग्नि प्रवेशु करीते ते भस्मलेशु बोधाचा पुरे। इतने सुंदर शब्द है भगवान के। एक बार ईंधन लकड़ी गुस्से में आ गई और अपने से ही तंग आ गई और उसने जाकर के अग्नि में अपने आप को झोंक दिया ताकि मैं अपने अस्तित्व को नष्ट कर डालूं, और नतीजा ये निकला पीछे राखड़ बची रही। उसी प्रकार से यह अज्ञान को नाश करने के लिए ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करी। तो पहले ये था कि जीवो हम दुखी मूर्ख महामूर्खो हम, और उसके बाद ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें ये महामूर्ख शिरोमणि कूद पड़े और फिर बचे क्या, अब मैं ज्ञानी हो गया। देखो मोहे देखत आवे हासिर। अपने कबीर जी महाराज कहते हैं ना, पानी में मीन प्यासी रे मोहे देखत आवे हासी। अपना स्वरूप जो है वो वैसा का वैसा ही, और हम लोग पूरे जीवन में किसी के पीछे दौड़ रहे और किस में दौड़ रहे, रैट रेस में दौड़ रहे, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि रैट कौन है, वेदर द रेफरी और द वन हु इज रनिंग। आंगाचेनी इंधने उदासु उठोनी ज्ञानाग्नि प्रवेशु। तो ये जो चार अंग है, कौन से चार अंग है, स्थूल शरीर वैखरी वाणी के श्रृंगार के साथ, सूक्ष्म शरीर मध्यमा वाणी के श्रृंगार के साथ, और इसके बाद हमारा कारण शरीर पश्चंती वाणी के श्रृंगार के साथ, और महाकारण शरीर यह परावाणी के श्रृंगार के साथ। तो यदि कोई श्रृंगार के वस्त्र लेकर के या गहने लेकर के सोने के अग्नि में कूद पड़े जल जावे तो सोना ज्यों का त्यों बचा रहता है। उसी प्रकार से यह चार वाणियों का जो श्रृंगार लेकर के हम इस जगत में घूम रहे हैं, इसका नतीजा ये है कि अर्लियर आई वॉज इग्नोरेंट, नाउ आई एम रियलाइज्ड। हम हमारे विद्यार्थियों को पूछ रहे थे कि महात्माओं अब एक साल पूरा हो ही रहा है तो कैसे लगता है, कमर तक तो आ ही गए होंगे है ना, यहां तक नीचे से पैरों से कमर तक के तो रियलाइजेशन हो ही गया, आप बस आधा बचा है और एक साल पूरा हो जाएगा, धीरे 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 ऊपर चढ़ेगा और एक बार सहस्त्रार को ढक दिया रियलाइजेशन में, उसके बाद फिर मेरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, अब मैं किसको पढ़ाऊं। सभी ज्ञानी हो गए और केवल वही हो तो बात ठीक है, लेकिन सभी आकर के यदि मुझे पढ़ाना शुरू कर देंगे तो फिर मैं भागूंगा कि बचाओ ज्ञानियों से। जड़ी जड़ा वेगड़ा कापूर न दिसे आडल परी होनी परिमल पुरे जेवी। इन चार वाणियों के श्रृंगार का प्रयत्न ऐसा ही है जैसा हमने कर्पूर को नष्ट करने के लिए पानी में घुला दिया और कहने लगे कि देखो अब कर्पूर खत्म हो गया, लेकिन वही कर्पूर उस पानी में सुगंध के रूप में ज्यों के त्यों है,
उसी प्रकार से पहले अज्ञान को स्वीकार करके हमने अपने आप को वैखरी मध्यमा इत्यादि वाणियों से बंधन में समझा और अब समझने लगे अब तो हम ज्ञानी हो गए, अब हम सबके परे हैं। इस प्रकार से पहले जो वृत्ति का बंधन था अज्ञान के रूप में, वही वृत्ति का बंधन अब ज्ञान के रूप में चल रहा है और हम ज्यों के त्यों हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं, आंगी लावली या विभूति ते परमाणु झड़ती परी पांडुरत्वे कांति राहे जैसी। जब हम अपने सर को विभूति लगावे, तो विभूति लगाओ तो उसके जो परमाणु छोटे छोटे कण होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, वो नीचे गिरने के बाद भी उनकी लकीर सर पर बनी रहती है। उसी प्रकार से यह हमने एक एक वाणी का त्याग करना प्रारंभ कर दिया, इस वाणी का त्याग किया वैखरी का, फिर मध्यमा का, फिर पश्चंती का, फिर परा का, और फिर उसका दाग पड़ा है। कौन सा दाग? अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ, बाकी सभी लोग इस जगत में अज्ञान में डूब रहे हैं, उनके उद्धार के लिए मुझे बड़े प्रयत्न करने हैं। जब तक लोगों का उद्धार नहीं करेंगे तब तक अपने जीवन की परिपूर्णता कहाँ है, इसीलिए मुझे पैसे दो, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे। यदि आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति दूसरों को सुधारने में होती है तो वह आत्मज्ञान की कल्पना थी, आत्मज्ञान नहीं था। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम, जहां पहुंचने के बाद फिर द्वैत के अनुभूति की भ्रांति कदापि नहीं होती, वो अपनी असलियत है। इसीलिए देखो कितना सुंदर उदाहरण लिया है, आंगी लावलिया विभूति बाबा जी बन गए, टर्किश टॉवेल ब्रांड बाबा जी बन गए, आंगी लावलिया विभूति, और फिर परमाणु झड़ती, हमने सबका त्याग कर दिया है। परी पांडुरत्वे कांति, सिर्फ एक ही है, हमारे आश्रम को डोनेशन चाहिए, हमारे इसके लिए पैसा चाहिए, हम आपके लिए ये करना चाहते हैं, हम समाज का उद्धार करना चाहते हैं, और समाज का उद्धार करने का ठेका केवल मुझे ही दे दो। पांडुरत्वे परिकांति राहे जैसी। देखो महाराज, नायमात्मा बलहीने न लभ्या न च प्रमादवात् न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात्। यह आत्म तत्व की प्राप्ति करनी है, इसमें किसी भी प्रकार का इतना भी छुई मुईपन आ गया तो समझ लेना वी आर डिसीविंग अवर सेल्स। जब तक ये स्पष्टता नहीं अंतकरण में आती कि यह जगत, यह सृष्टि सभी की सभी प्रभु की इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है, इसमें आज तक ना कोई किसी को सुधार सका है, ना कोई किसी को बिगाड़ सका है। और यह जो संपूर्ण सृष्टि, इसका जो आधार है, वह आधार ही मेरी असलियत है। इसको पकड़ के रखना, इसके सिवा और बाकी कुछ दूसरी साधना नहीं है। अब यह ज्ञान का बंधन कैसे बना रहता है, ये दो उदाहरण लिए और दो तीन उदाहरण देते हैं आगे। ना वोहड़ा आंगी जैसे पानी पानी पड़े नसे तरी वोल्ढा साचे निमिसे आथी तते। जैसे कोई नदी हो, वो आमी छोटी नदी, और वो ऊपर ऊपर से देखने के लिए सूखा है, लेकिन यदि उसको थोड़ा खरोचो तो उसके अंदर से गिलाहट निकल के आती है। उसी प्रकार से ऊपर ऊपर से के लिए तो ठीक है, सब ऊपर का सूख गया है, कपड़ों का रंग, चेहरे का रंग, मेकअप का डिजाइन सब चेंज हो गया है, लेकिन थोड़ा खरोचो अंदर में
थोड़ा अंदर में खरचने के बाद पता चलता है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सभी वृत्तियों का साम्राज्य जो के त्यों है। और ये केवल काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का साम्राज्य नहीं है, पहले वो साम्राज्य और उसके बाद हम ज्ञानी हैं। अब हमको अज्ञान स्पर्श नहीं कर सकता। इस प्रकार से यह अज्ञान ऐसा मरता है कि मरने के बाद अज्ञान के मरने के बाद ज्ञान के रूप में शेष रह जाता है। देखो अज्ञान की मृत्यु जब ज्ञान को समर्थन करती है तो अज्ञान ही ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इसीलिए जो इस तत्व में स्थित है वो अपने जीवन में कभी भी किसी को भी सुधारने का प्रयत्न इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम अपने उंगलियों को क्या सुधारेंगे, कुछ नहीं, जैसी है वैसी है, फिर क्या करें, प्रेम, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि उसमें मैंपन है। साधु संतों के जीवन की सुंदरता का मूल कारण ये है कि हम सुधारना तब चाहते हैं कि जब किसी को कनिष्ठ देखते हैं, हम किसी को सुधारना तब चाहते हैं कि जब हम किसी को अपने से भिन्न देखते हैं, लेकिन जब मैंपना आ गया तो मैं पर केवल प्रेम होता है, प्रयोग नहीं होता सुधारने का। और एक उदाहरण लेते हैं, ना तरी माध्यान काळी छाया न दिसे वेगळी परी असे पाया तई रेगोनिया। दिन को 12 बजे का समय हो और सुबह जब निकले थे तो हमारी परछाया हमारे सामने सामने चल रही थी और काफी लंबी थी, लेकिन हम तो नहीं थके, हमको लगता है हमारी परछाया बेचारी थक गई होगी, दिखती नहीं कहां गई, क्योंकि दोपहर के 12 बजे और जब 12 बज जाते हैं तब क्या होता है हम सबको मालूम है। तो जहां 12 बजे तो सबको मालूम है, मैंने आपके मन में जो है वो बात नहीं कह रहा हूं मैं, अपनी जो परछाया है वो अपने ही पैरों के नीचे आ जाती है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। आप अपना तात्पर्य मत निकालो। ना तरी माध्यान्ह काळी छाया न दिसे वेगळी, फिर वो छाया कहां चली जाती है, परी असे पाया तळी। उसी प्रकार से पहले जो अज्ञान वृत्तियों के बंधन में हम फंसे हुए थे और खूब शास्त्रों का अध्ययन किया, खूब आसन प्राणायाम सब कुछ कर लिया है और खूब सारे प्रवचन दे दिए, लोगों को ज्ञान की गंगा बटा रहे हैं और इस पृथ्वी पर परमात्मा के अवतार के रूप में अवतरित हो रहे हैं, ऐसा मजा आता संतों क्या बताए। अच्छा महाराज, ये सब होने के बाद फिर लगने लग जाता है कि अब हम तो भैया बाबा जी बन ही गए। तो पहले अज्ञानी थे और अब अज्ञान नष्ट हो गया, देखो चारों तरफ कहीं अज्ञान नहीं है, और जहां अपने ही पैरों के नीचे देखा तब पहले हम अपने को पापी समझते थे, अब हमने अपने आप को पुण्यात्मा समझने लगे। देखो बात वही। उसी प्रकार से जो परावशंती मध्यमा वैखरी वाणी का बंधन था, अब हमने उस बंधन को छोड़ दिया है, ये कहने वाला अभी भी उस बंधन में ज्यों का त्यों। ना तरी माध्यान्ह काळी छाया न दिसे वेगळी परी असे पाया तळी रेगोनिया। अब यहां से सवाल ये आता है कि यह जो अज्ञान अविद्या परापश्यंती मध्यमा वैखरी इन चार प्रकार से अभिव्यक्त होकर के हमारे जीवन में बंधन का कारण बना है, उसको निकालने के लिए हमने प्रयत्न करके ज्ञान का आधार लिया और हमको लग रहा था कि चलो
अब तो ज्ञान प्राप्त होगा तो सब ठीक हो जाएगा, और आपने आकर के तो हमारे पैरों के नीचे से कारपेट ही खींच ली। तैसे ग्रासोनी दूसरे स्वरूपी स्वरूपाकारे आपुले पड़े उरे बोधसो का। तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि जब यह अज्ञान के अभिव्यक्ति के चार प्रकार है, परापशंति मध्यमा वैखरी, इन चार प्रकारों का निराकरण करना माने इन चारों के प्रभाव से नित्य निर्मुक्त रहना। नित्य निर्मुक्त हम तब रहेंगे जब हम ये समझेंगे, इसकी अनुभूति करेंगे कि ये सभी का सभी मेरा ही अभिव्यक्त स्वरूप है। देखो महाराज, ये एक बार बात क्लिक हो जाए ना प्रभु की दया से, कि जैसे देखो ना, व्यक्ति एक होता है, फिर उसकी शादी विधि होने के बाद बच्चा होता है, तो उस बच्चे की तरफ जो उस व्यक्ति की भावना रहती है और एक दूसरे कोई बच्चे के तरफ उसकी भावना रखती है, इन दो भावनाओं का फर्क क्या है? फर्क ये है कि मेरा बच्चा मेरा ही एक्सटेंशन है और इसीलिए उसको मैं कितना भी खेलूं तभी बोर नहीं होता। लेकिन दूसरे को बच्चे को देखने के बाद एक्सक्यूज मी आई हैव टू गो इमीडिएटली, कारण क्या? उसमें मैं पना नहीं है। तो जहां हमारे जीवन में अपने जीवन को लेकर के और किसी भी चीज को लेकर के बोझा महसूस हुआ, समझ लेना हम अभी अज्ञान के क्षेत्र में है। इसीलिए वह जीवन जिस जीवन में ना तो जिंदा रहने का दुराग्रह है ना तो मरने की इच्छा है, ऐसा जिंदा रहना और मरना इन दोनों इच्छाओं के परे जो अस्तित्व है वो अपनी असलियत है। तो तैसे ग्रासूनी दूसरे, ये जो दूसरेपन, जो दूसरापन है, दूसरेपन को निगल लिया, ग्रासूनी दूसरे स्वरूपी स्वरूपाकारे। देखो ये उदाहरण सभी हम जानते हैं, जो भी वस्तु अपने अहम के परिभाषा में इंक्लूड होती है उसके प्रति हमारे मन में हम चाहे भी तो तिरस्कार नहीं आता। देखिए हम सब जानते हैं कि हम प्रत्येक के मध्य प्रदेश में क्या मसाला भरा हुआ है, एवरी वन ऑफ अस नो, भले हम भगवान के सामने खड़े रहे और अंदर में बीपी हाई हो गया हो फिर भी मन में घृणा नहीं आती। कारण एक है कि जिसको हमने अपने अहम में इंक्लूड किया है उसके प्रति केवल प्रेम हो। यहां यही बात है, तैसे ग्रासूनी दूसरे, दूसरेपन के भावना को निगल लिया, फिर स्वरूपी अपने स्वरूप में स्वरूपाकारे, फिर उसको अपने स्वरूप में स्वीकार कर लिया, आप उले पण उरे, फिर क्या बचा है? केवल मैं मात्र बचा है। वह मैं जिसका विरोधी तू कहीं नहीं है। देखो हम लोगों का मैं वो है कि जिसके साथ कबड्डी करने वाला तू हमेशा तैयार है, और इसीलिए कबड्डी की मैच इंटरनेशनल लेवल पर भी चलती है, मैं तू 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 मैं। लेकिन एक ऐसा मैं है जो मैं तू का विरोधी नहीं है। देखो ये बात इतनी सत्य और सरल है व्याकरण की दृष्टि से भी, जैसे तृतीय पुरुष, द्वितीय पुरुष और प्रथम पुरुष, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन का एक वचन और थर्ड पर्सन का अनेक वचन हमेशा थर्ड पर्सन में ही रहते हैं। ही इंग्लिश की ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे थर्ड पर्सन प्लूरल, दाउ सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू सेकंड पर्सन प्लूरल, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी
फर्स्ट पर्सन, नॉट फर्स्ट पर्सन, बिकॉज वी इंक्लूड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन. देयरफॉर इन रियलिटी देयर इज नो प्लूरल ऑफ आई, इजंट इट? बिकॉज इन द प्लूरलिटी ऑफ आई द अदरनेस डिसअपियर्स. दिस इज व्हाट इज सेड हियर. आपुले पड़े पूरे बोधजो का, जो बोध का, जो असली ज्ञान है. कौन सा है असली ज्ञान? आपुले पड़े उरे, जहां सबके साथ अपनापन है, सबके साथ प्रेम है, सबको अपने में स्वीकार किया है, जहां द्वैत का दुर्गंध एक क्षण के लिए भी नहीं है, वो है असली ज्ञान. देखो महाराज, इसलिए इस चीज को प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? संत ज्ञानेश्वर महाराज ये कहते हैं, हरिमुखे मना, हरिमुखे मना, पुण्याची गणना कौन करे. जितने भी हमारी वृत्तियां है, प्रत्येक वृत्ति को परमात्मा के नाम से भर देवे. यदि हमारे अंतकरण की प्रत्येक वृत्ति परमात्मा के नाम से भर जाती है, तो उन वृत्तियों के कारण जो द्वैत का प्रपंच निर्माण होकर के हमको सुख दुख का अनुभव दे रहा था, यह द्वैत के प्रपंच के सुख दुख के अनुभूति का जो एक राम बाण उपाय है, यही राम का नाम, उसको लेते रहे लेते रहे. वृत्तियों के रहते हुए भी वृत्तियों के द्वारा प्रभावित न होने का यही एकमात्र साधन. हम लोगों को जब साधु संत कहते हैं भगवान का नाम लो, तो हम लोगों को लगता है कि बाबा जी को कहने को कुछ तो होगा नहीं, इसलिए सबसे बढ़िया बात है भगवान का नाम लो, इसको बिजी कर दे और फिर अपने पकोड़े खाते रहे. अरे भैया, ऐसी बात नहीं है. इसके पीछे सभी शास्त्रों का सिद्धांत है. वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावंते च मध्ये च हरि ही सर्वत्र गीयते. संपूर्ण शास्त्रों का, वेद, रामायण, पुराण, महाभारत, इन सब का निचोड़ एकमात्र है कि प्रारंभ में, अंत में और मध्य में केवल भगवान हरि का ही गुण संकीर्तन, नाम संकीर्तन, वही एकमात्र है, बाकी दूसरा कोई प्रयोजन नहीं. इसी के द्वारा हम इन चार वाणियों के, वृत्तियों के प्रभाव को पार कर सकते हैं. तैसे ग्रासूनी दूसरे स्वरूपी स्वरूपाकारे आफुले पड़े उरे बोधजो का, ते ऋणशेष वाचाया न फेड़वेची मरोनिया, ते पाया पड़ोनी मिया सोडविले. अब ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि यह जो बोध है, इस बोध में एक चक्कर और बचा रहता है. अभी ये पूर्ण बोध नहीं हुआ. कौन सा एक चक्कर और रहता है? कहते हैं जो बोध है, उस बोध में, ज्ञान में, अभी आय या मैंपना ज्यों का त्यों. जिस ज्ञान में मैं है, वह 99.99% शुद्ध ज्ञान, लेकिन अभी इसमें 100% शुद्धि नहीं आई. तो पहले ये सब साधना करके चार वाणियों के परे चले गए, सबको अपना कर लिया. अब जो मैं हूं वही सब है. यहां तक यदि आ गए, अभी भी इसमें आखिरी एक चीज बची है, और वो चीज खत्म हो जाती है 32वें ओवी के अनुसार. ते ऋणशेष वाचा इया, जो आखिरी स्टेप है, द लास्ट लीप इनटू द इनफाइनाइट. कौन सी है वो? न फेड़वेची मरोनिया. आप कितना भी मरो, उसको आप खत्म नहीं कर सकते. अहम को, अपने अहम को मारने का जितना हम प्रयत्न करेंगे, उतने हम दुराग्रही बनेंगे. देखो, भगवान के नाम स्मरण में अनंत शक्ति है, और यदि भगवान का नाम स्मरण अहम को साथ में रख करके करेंगे,
तो अहम पुष्ट होगा। जैसे अच्छा खाना यदि गाय को दोगे तो गाय पुष्ट होगी, यदि शेर को देंगे तो शेर पुष्ट होगा। उसी प्रकार से परमात्मा के नाम की जो अनंत शक्ति है, उसको यदि हम अपने अहम को जिंदा रख करके उसको खिलावे तो हम में भी वही शक्ति जागृत होगी जो रावण में जागृत हो गई थी, कि जो अपने गुरु को भी नीचे दिखाने के लिए आगे पीछे नहीं सोचता। इसीलिए यहां ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपदेश भगवान का है कि व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण विश्व में कम से कम एक ऐसा गुरु स्थान होवे कि जहां अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दे। ये बात यहां कहते हैं, ते शेष ऋण वाचा या न फेड़वेची मरोनिया, कितने भी जन्म लेते रहे इस ऋण को हम नहीं उतार सकते। फिर भगवान आपने कैसे उतारा, संत ज्ञानेश्वर महाराज से प्रश्न कहो तो वो कहेंगे ते पाया पड़ो नीमिया सोड़विले। तो हमने अपने आप को अपने गुरु महाराज के चरणों पर निछावर कर दिया। जीवन की परिपूर्णता अपने आप को परिपूर्ण के साथ एक रखने में है। जीवन की परिपूर्णता अपने आप को परिपूर्ण से अलग रख करके दूसरे परिपूर्ण चैतन्य है ऐसी बात नहीं है। परिपूर्ण में द्वैत नहीं रहता, और द्वैत का समापन जैसे शंकराचार्य भगवान कहते एक जगह में कि समुन्दर तो लहर बन सकता है लेकिन लहर कभी भी समुन्दर नहीं बन सकती। उसी प्रकार से जैसे पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि गुरु महाराज ने ही अपने मस्ती के लिए यह गुरु शिष्य का नाटक शुरू कर दिया, और इसका नतीजा ये निकला कि एक जगह वही शिष्य का पाठ कर रहे हैं, दूसरे जगह वही गुरु का पाठ कर रहे हैं, और ये गुरु शिष्य का उपदेश का नाटक चल रहा है। लेकिन इस नाटक का अंत कहाँ है? इस नाटक का अंत इसी प्रकार से है कि शिष्य गुरु में समा जाता है, उल्टा नहीं कि गुरु शिष्य के सामने झुकता है। इसीलिए ते ऋणशेषवाया या न फेड़वेची मरोनिया ते पाया पड़ोनीमिया सोड़विले। माने गुरु के सामने शरणागत होना, अपने व्यक्तित्व को समाप्त करना, ये मरने को पार करने का एकमात्र तरीका है। जो चीज मरने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकती, वह चीज यदि हम गुरु के प्रति अपने आप को 100% समर्पित कर दे, तब कहीं हम ये चार वाणियों का जो बंधन है ये बंधन हम काट सकेंगे, नहीं तो इसी के बंधन में पड़े रहेंगे और जीवन भर दुखी रहेंगे। कैसे? कहते हैं, मनोनी परापश्यन्ति मध्यमाहन भारती या निस्तरलिया लागती ज्ञानी अज्ञानी ची। इसका अर्थ दो तीन प्रकार से हो सकता है। एक, इसीलिए कोई यदि कहे कि परापश्यन्ति मध्यमा भारती माने वैखरी, सो परापश्यन्ति मध्यमा भारती या निस्तरिया लागती, जब ये चार वाणियों को अलग कर दे, हटा दे, इनके बंधन से चले जावे, तब हम ज्ञानी हैं। ऐसा यदि कोई कहे तो वो असल में अज्ञानी ही है, अज्ञानी जी। ये इसका एक अर्थ निकलता है। माने जैसे देखो ना, बिजली को चलाने के लिए कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करके बिजली के साथ संबंध रखो तो बिजली से हमको कोई कष्ट नहीं। लेकिन यदि बिजली के जो नियम है उनका पालन हम ना करें, अपने मर्जी से सोचे, तो वही बिजली हमको नष्ट करने के लिए तैयार है। उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व
प्रभु का जो लीला का प्रसंग चल रहा है उसमें जो जो जैसा जैसा है वो वैसा वैसा उसके साथ उन नियमों के अनुसार रहो तो इस जगत में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का बोझा है ही नहीं। इसलिए यहां कहते हैं कि कोई कहे कि हम तो भैया इस जगत के मारे इतने तंग आ गए अब ऐसे लगता है संन्यास ले लेंगे। जो तंग आकर के संन्यास लेते हैं फिर वो संन्यास लेकर के फिर तंग होते क्योंकि तंगाई में शुरू हुआ है सब चीज तो हमेशा टेंशन मेंटेन रहेगा। इसीलिए ये दोनों प्रकार से परापश्यंती मध्यमा वैखरी इन चारों का विस्तार संपूर्ण विश्व है। इस विश्व में रहते हुए यदि हमको प्रत्येक क्षण प्रभु के दर्शन होकर के आनंद की अनुभूति हो रही है तब हम जैसे पद्म पत्र मीमांसा इस जगत में रहते हुए ही प्रभु के दर्शन करेंगे और यही अपनी असलियत है। देखो संत ज्ञानेश्वर महाराज कहीं हिमालय में जाकर के गुफा में नहीं बैठे। हमारे शिरडी वाले बाबा कभी भी बाहर घूमने घामने नहीं ले। जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन जो कुछ है उसको यदि हम अपने स्वरूप में जान ले तो उसी के बाद इन चार वाणियों का कर्जा हमने उतार दिया। चार वाणियों का कर्जा उतारना माने इनके बंधन में न रहना। इनके बंधन में न रहना माने हम बिजली के बंधन में नहीं है। यदि हम बिजली के साथ व्यवहार करने के जो नियम है उनका आदर करते हैं तब वो बिजली हमको बांध नहीं सकता। जब जब हमारे जीवन में खटपट हुई है उस समय हमने प्रभु का विरोध किया है उसका दूसरा कोई कारण नहीं। यदि हम भगवान के ऑर्केस्ट्रा में वही नोट बजा रहे हैं जो वो चाहता है तो हमसे संगीत बाहर आएगा लेकिन यदि हम उसके डायरेक्टर के कंडक्टर के गाइडेंस की तरफ ख्याल नहीं दे रहे और हम चाहते हैं कि जो मैं बांसुरी बजा रहा हूं वो ज्यादा आवे रिकॉर्डिंग में और इसीलिए जोर जोर से बजाऊं तो उसका साउंड साइलेंस कर दिया जाएगा। क्यों? कि इट इज डिस्टर्बिंग द हार्मनी ऑफ द मेलोडी। इसीलिए इस जगत में प्रभु के साथ जब हम मिलके चलते हैं तब हमने इन चार वाणियों का कर्जा उतार दिया और जब हम प्रभु के विरोधी बनकर के रहते हैं तब हमारे जीवन में एक कर्जा ज्यों का त्यों बना रहेगा। और इसीलिए इसे निकलने का तरीका क्या है? निकलने का एकमात्र तरीका है अपने जीवन में अपने आप को प्रभु के और गुरु के चरणों पर ऐसा निछावर कर दे कि अपनी खुदी मिट जावे खुदा रहे। जितना सरल ये मार्ग है इससे बढ़कर के और कोई दूसरा मार्ग है। इस प्रकार से यही मार्ग हमने अपनाया है। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ते ऋणशेष वाचा या न फेड़वेची मरोनिया ते पाया पड़ोनी मिया छोड़विले मनोनी परापश्यंती मध्यमाहन भारती या निस्तरलिया लागति ज्ञानी अज्ञानी ची। जो इन चार वाणियों के बंधन में है जो पहले अज्ञानी था वही जब इन चारों के परे चला जाता है तब उसको ज्ञानी कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण